गाइज फाइनली यार ये देखो ये भाई हिप्पोपोटामस निकल चुका है। मेरे को लगा आज निकलेगा नहीं, बट गाइज निकल चुका है। गाइज इसको देखो, हमेशा ये पानी में ही डूब के रहता है। गाइज सो हॉलीवुड फैमिली, आप सभी लोग को स्वागत है हमारे एक और नए दमदार धमाकेदार ब्लॉग वीडियो के अंदर। सो गाइज आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे और तंदुरुस्त होगे और मस्त होगे और हमारे वीडियो को देख रहे होगे। सो गाइज जैसा कि देख सकते हो और मैं अभी झारखंड में, और झारखंड का ब्लॉग भाई मतलब ऐसा बोलते ना, ब्लॉग नहीं, ब्लॉग तो बना ही रहेगा। तो आज अपन लोग झारखंड का जू में आए हैं इसमें घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है ना काफ़ी अच्छे अच्छे जानवर होते हैं। जैसा कि देख सकते हो गाइज काफ़ी मस्त मस्त जानवर हैं। तो गाइज वीडियो में लगे रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला और काफी अच्छे अच्छे जानवर से आप लोग को रूबरू करवाने वाले, इसका मतलब आप लोग को दिखाने वाले गाइस। तो इसलिए भाई वीडियो में बने रहो और मजे करो गाइस। सो फाइनली गाइज देख लिया, अभी अपन लोग यहाँ पे आ चुके हैं और फिर अभी अपन लोग दिखाने वाले गाइज आप लोगों को बंदर, जो कि भाई बंदर नहीं ऐसा बोलते भाई, मंकी दिखाने वाले, प्यार से बोलो यार, काफ़ी रिस्पेक्टफुल। सो गाइज आप लोगों को सबसे पहले अपन लोग बंदर दिखाने वाले, मंकी दिखाने वाले, वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी वाले गाइज। जैसा कि देख सकते हो यार यहाँ पे दो बंदर, दोनों यार मेरे को लग रहा है ना गाइज ये लोग ऐसा होता ना, जब तुम्हें जेल में पैक कर दिया जाता ना, तो वो फीलिंग्स जो आती है ना, वही मेरे ऐसा ख्याल से इन लोगों को फीलिंग्स आती है। क्योंकि देखो कोई भी जानवर, खास करके बंदर लोग, ऐसा होता ना जो हमेशा ओपन प्लेस को भाई इंजॉय करना चाहता है, बट इन लोग को इंजॉय करना नहीं मिल रहा है, ये लोग पैक है। तो भाई मतलब खुद में एक भाई अंदर से कुछ अलग वाला फीलिंग्स आता है ना, वही लगता है। और फिर इसको देखो गाइज, मेरे को लग रहा है ना इसका ब्रेकअप हो रखा है गाइज, इसको कोई मतलब इसका गर्लफ्रेंड ना इसको धोखा देकर जा चुकी है, और फिर ये अकेला बेचारा भाई बैठ के ना ढूंढ रहा है गाइज, अब मेरा गर्लफ्रेंड आएगा, अब मेरा गर्लफ्रेंड आएगा, उसके बाद रहेंगे अपन लोग साथ में। और ये क्या उल्लू गाइज, ये क्या है उल्लू, बंदरों का झुंड में उल्लू किधर से आ गया यार, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। और सारे लोग वीडियो बना रहे गाइज यहाँ पे, जिसको देखो ना सारे लोग वीडियो बनाने में लगे हुए। अपन लोग तो भाई ब्लॉग बनाने के लिए आए, आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए आए, सो इसी कारण से अपन लोग ब्लॉग बना रहे और सारे लोग पता नहीं क्या बना रहे, मेरे को पता नहीं। यहाँ पे तो कोई बंदर है ही नहीं, ये देखो सामने की साइड बंदा भाई, बंदर भाई इन लोगों को, मेरे को अंदर से ना वो थोड़ा सा अंदर से ऐसा फीलिंग्स आता ना यार कि कोई अंदर में है यार, ये मतलब कैसा फील कर रहा होगा। क्योंकि देखो अगर हम लोग ना घर से एक दिन ना निकले ना, तो जो फीलिंग्स आती है ना वही इन लोगों में आ रही होगी, क्योंकि ये लोग तो और गाइज जंगल में रहने वाले, खुला वातावरण में रहने वाले, इन लोग अंदर पैक है तो गाइज कैसा फीलिंग्स आएगा। तो फाइनली गाइज आप लोगों को बंदर दिखा दी, और अभी आप लोगों को भाई कुछ अलग वैरायटी का भाई पक्षी लोग दिखाएंगे। सो चलो अभी चलते भाई डायरेक्ट पक्षी की ओर। सो फाइनली देखते हैं गाइज क्या सीन है। सो फाइनली गाइज अभी आ चुके हैं यहाँ पे, कौन सा भाई बर्ड है ये देख लो गाइज। हालांकि भाई चिड़िया सारा ऊपर बैठा हुआ, तोता है गाइज, गाइज मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाला तोता। और फिर मैं ना पीछे वाले जाली में देख रहा था, उसमें गाइज कोई भी पक्षी नहीं था, उसमें अपना ना पोपट हो गया। मैंने सोचा ना इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पक्षी होंगे, बट वहाँ पे मैंने दिखाया गाइज उसमें कोई पक्षी था ही नहीं। जैसा कि देख लो इस तरफ भी कोई नहीं है भाई, अपना तो पोपट ही हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है भाई, आप लोगों को तो काफ़ी अच्छा अच्छा पशु पक्षी दिखाएंगे आज। जैसा कि देख लिया ना पीछे की साइड तोता था काफ़ी अच्छा, इसमें तो कुछ है ही नहीं गाइज, ये किधर गया पता नहीं चल रहा है। कोई नीचे नहीं है गाइज देख लो, कोई भी नीचे नहीं, सारा ऊपर, मतलब कुछ भी बोलो ये लोग नीचे कम और ऊपर ज़्यादा रहना पसंद करता। और फिर भीड़ देख रहे हो गाइज, यहाँ का जो भी झारखंड में है ना, जमशेदपुर झारखंड, यहाँ में जो चिड़ियाघर में जो भीड़ होती है ना, वो मेरे को नहीं लगता और कहीं होती होगी। सो गाइज देखो यार ये भी चिड़िया काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मतलब मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो अब तो यहाँ पे चिड़िया का सारा। सो फाइनली गाइज जब ये आ चुके हैं फिजेंट्री के पास, यहाँ पे देखो गाइज काफ़ी अलग अलग है फिजेंट्री है, बोले तो भाई इसको कबूतर भी बोल सकते हैं और फिर मुर्गे भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहते हो गाइज फिजेंट्री को, ये देखो ये मतलब नीचे है ही नहीं, ऊपर ये भी है, मतलब अभी अपन लोग इससे पहले ना तोते को देखे, वो भी
नीचे नहीं था, ऊपर में ही था। और ये देखो गाइज, मतलब इसका कलर ना इतना प्यारा लग रहा है ना गाइज, सोच नहीं सकते यार, मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा यार। मतलब अपना इंडिया में ना कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी ऑलरेडी विलुप्त होते जा रहे हैं सारे पक्षी लोग, बट कुछ जो भी पक्षी लोग हैं ना, ये देखो भाई इसका मतलब क्या ही प्यारा सा लुक लग रहा है ना गाइज, नीचे रेड ऊपर ब्राउन, मतलब क्या प्यारा लग रहा है ना मेरे को गाइज, काफ़ी ज़्यादा ओसम वाला फीलिंग्स हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना मैं अभी यहीं पर बस जाऊँ और फिर आप सभी लोग को ना डेली के डेली दिखाऊँ इन लोगों को भाई एक्टिविटी, ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे। तो भाई चलो अभी दूसरा अपन लोग दिखाते गाइज, ये देखो भाई ये तो उधर क्या कर रहा है, बट ये सबसे बंदा सबसे बड़ा गाइज, मतलब ये इसको ना सबसे बड़ा बोल सकते अभी तक का फिज एंटर जितना भी है ना, सबसे बड़ा वाला ये मेरे को लग रहा है। और फिर आगे दिखाते गाइज, आगे तो कुछ है नहीं भाई, ये किधर गया गाइज, ये किधर गया, ओ भाई इधर गाइज, मतलब ये तो लग रहा है ना एकदम नेक्स्ट लेवल वाला। और फिर काफ़ी सारी पक्षियाँ भाई बोल रही है एक दूसरे से, मतलब चहचहाट मची है। तो गाइज चलो ये तो अपन लोग दिखा दिया, अभी इसके पीछे के साइड देखते गाइज क्या है, अगर कुछ होगा तो दिखाएंगे, वरना अपन लोग हिप्पोपोटामस दिखाएंगे गाइज। सो फाइनली गाइज यहाँ पे देख लो, मेरे को तो कुछ दिखा नहीं लेकिन कपल्स दिख गए हैं गाइज। सो फाइनली गाइज अभी आ चुके अपन हिप्पोपोटामस के पास, क्योंकि देखो भाई ये ना खुद में एक लक होती है हिप्पोपोटामस को देखना, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये पानी में ना बहुत पानी के अंदर ही ज़्यादा वक्त ये बिताता है और फिर पानी के ऊपर काफ़ी कम वक्त बिताता है, तो इसी कारण से इसको देखना ना काफ़ी लक साबित होता है। तो गाइज मेरा तो लक है नहीं, सो मैंने अभी नहीं देख पा रहा, मेरे को पता नहीं चल रहा मैं कैसे देखूंगा इसको, लेकिन हाँ देखूंगा गाइज, आज नहीं तो कल जरूर देखूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा गाइज। तो चलो अभी ये तो ऊपर नहीं है, तो अभी अपन लोग दूसरे जगह जाते हैं और फिर और अच्छे अच्छे जानवर आप लोग को दिखाते हैं गाइज। बट हाँ मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर पूरा ब्लॉग आज के वीडियो में नहीं कंप्लीट होगा ना, तो अगर पार्ट टू आप लोगों को चाहिए ना, तो प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताना कि आपको पार्ट टू चाहिए, उसमें काफ़ी मस्त मस्त वाला जानवर भी दिखाएंगे गाइज। क्योंकि देखो अभी काफ़ी बहुत बड़ा है गाइज, यहाँ का जू है ना बहुत बड़ा है, जो कि एक दिन में कवर नहीं हो सकता गाइज, 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगी। तो इसी कारण से आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को पार्ट टू चाहिए या नहीं चाहिए गाइज। तो चलो अभी अपन लोग आगे जाते हैं गाइज, क्या सीन हो रहा है भाई, मतलब रोड इतना मस्त है ना यार, काश मतलब। सो फाइनली गाइज देख लो यार, ये जेबरा गाइज, मतलब जेबरा का काफ़ी मस्त सीन लग रहा है गाइज यहाँ पे गार्ड। और फिर गार्ड से मैं पूछ लेता हूँ यार, जा मंटू पूछ ले थोड़ा सा कुछ भाई गाइज मंटू। सो फाइनली गाइज मंटू तो पूछने गया था, मंटू पूछ लिया जेबरा किधर है, तो बोले गाइज पीछे के साइड में ही सबसे आगे वो जेबरा है, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा था। बट हाँ उससे पहले मेरे को एक और चीज़ दिखाई, ये क्या है भाई, ये मतलब हिरन है क्या, हिरन का उजला प्रजाति है क्या, मेरे को पता नहीं चल रहा है गाइज, आप लोग कमेंट करके बताओ ये कौन सा जानवर है। इसका सींग देख रहा दो स्ट्रेट है, और फिर जेबरा दिख गया गाइज, ये देखो गाइज मतलब क्या मस्त वाला सीन लग रहा है यार। मतलब जेबरा को देखने के बाद ना जो फीलिंग्स आता ना गाइज, वो काफ़ी ओसम वाला फीलिंग्स आ रहा है मेरे को। तो आप लोगों को कैसा फीलिंग्स आ रहा है कमेंट में बताओ गाइज। और फिर आज का ब्लॉग अपन लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे एंड करें, और कल का जो ब्लॉग है ना, इधर से जो भी आगे जाओगे ना काफ़ी मस्त मस्त जानवर दिखेगी। तो आई होप आप लोग की ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, और कमेंट में पार्ट टू भाई लिख देना, क्योंकि अपन लोग पार्ट टू लाने वाले हैं आप लोग के लिए गाइज। तो प्लीज़ यार कमेंट करना पार्ट टू चाहिए या फिर नहीं चाहिए। सो बाय बाय गाइज़।